सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो सब लोग यहाँ तशरीफ लाए, यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। स्पेशल थैंक यू टू सुरबाना जौरंग जिन्होंने हमें गाइड किया, बताया कि स्मार्ट सिटीज को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम को, बीइंग हेडेड बाय ब्रिगेडियर आबिद करीम चीमा, हु इज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे, ही इज नॉट हियर, बट ही इज विद अस इन हिज प्रेयर्स एंड थॉट्स। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी हेल्थ और एजुकेशन टीम का, बीइंग हेडेड बाय जन साहब, जिन्होंने आज बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी, हमारे सेल्स पार्टनर्स को दी। इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी स्मार्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की टीम का, जो अपनी अंतक मेहनत के साथ इस प्रोजेक्ट को एक स्मार्ट प्रोजेक्ट की तरफ कन्वर्ट करते हुए जा रहे हैं। ये सारा कुछ पॉसिबल ना होता अगर हमें, हमारी जो कंस्ट्रक्शन टीम है, उन्होंने कॉन्फिडेंस ना दिया होता जो इतनी अच्छी प्रोग्रेस ऑन साइट पे वो कर रहे हैं। तो थैंक यू टू कंस्ट्रक्शन टीम एज वेल। इसके अलावा हमारे ऑफिस की जो दूसरी टीम्स हैं, स्पेशली जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, हमारी जो सिक्योरिटी की टीम्स हैं, वो दिन रात हमें सपोर्ट करती हैं परफॉर्म करने में, उनका भी मैं इंतहाई मशहूर हूँ। मैं सबसे बढ़ के मशहूर हूँ अपने सेल्स पार्टनर्स, अपने मेंबर्स, अपने क्लाइंट्स का, जिन्होंने हमेशा हमारे पे ट्रस्ट किया, हमारा साथ दिया और हमें और कॉन्फिडेंस दिया कि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। आज मैं स्पेशल शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ टू आर चेयरमैन एंड आर MD। ये उनका विजन था, जिस विजन को हम आज से 2-2.5 साल पहले लेके चले, और ये सोच के कि हम एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होते हुए उसका हक इस तरह से अदा करें, उसका हक हम इस तरह से अदा कर रहे हैं कि जो आज से पहले कोई नहीं कर सका वो हम करके दिखा रहे हैं। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करना चाहूँगा। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, इसका जो मास्टर प्लान था वो 1958 से लेके 2012 तक, ये 54 साल का अरसा बनता है। इस अरसे के दौरान इस पूरे इस्लामाबाद का जो एरिया था वो 1,33,200 कनाल था, और गवर्नमेंट को इन तीन जोन में जो डिवाइड किया हुआ था, जोन 1, 2 और 3, 54 साल लगे इस एरिया को डेवलप करते हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल के अंदर, बीइंग प्राइवेट कंपनी, हम अपने मास्टर प्लान को 55,000 कनाल से 1,00,000 कनाल तक ले गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आज। वैसे सारों सब लोगों को मेरे से अनाउंसमेंट की तवक्को होती है, जो हमारे सेल्स और मार्केटिंग की अनाउंसमेंट्स होती हैं, मेंबर्स रिलेटेड अनाउंसमेंट होती हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि हबीब रफीक 73 ईयर्स से पाकिस्तान में काम कर रही है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, आज भी पाकिस्तान के जितने बड़े कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के नाम हैं, आज भी अगर उनको अपने प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट फास्ट पेस में करवानी होती है तो हबीब रफीक को ज़रूर सिलेक्ट करते हैं। अभी भी हम 5 मुख्तलिफ बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी भी काम कर रहे हैं। आज मैं अपने सुनने वालों से ज़रूर ये सवाल भी करना चाहूँगा और उनसे भी पूछूँगा कि हमारे इस 2 से 2.5 साल के प्रोजेक्ट ने, जो अभी एक बेबी स्टेज में है, क्या कुछ अचीव किया, कि हमारे इस प्रोजेक्ट में अभी तक एक भी रेजिडेंट ने आके अभी रहना शुरू नहीं किया और हम
दो हाई राइज बड़ी बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग खड़े करने के करीब हो गए मैं। ऑलरेडी वो स्टार्ट हो गई हुई है, ज़मीन से बाहर हो गई हुई है। हमारा अभी एक भी रेजिडेंट यहाँ नहीं पहुँचा। हमारी ओवरसीज़ वन के अंदर जो मॉस्क है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बन चुकी है, ऑपरेशनल है और उधर नमाज भी होती है। और एक मॉस्क जो है एग्जेक्टिव ब्लॉक में वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हमारा एक भी रेजिडेंट नहीं आया और हमारी स्कूल की 5-स्टोरी बिल्डिंग, स्मार्ट स्कूल की बिल्डिंग खड़ी हो चुकी हुई है। इस प्रोजेक्ट में देखें, अगर हम जिस साइड से एंटर हो रहे हैं, तो हमारा जो पहला ब्रिज है वो 450 फुट लंबा, 80 फुट चौड़ा और वो सिर्फ 7 माह की कलील मुदत हमने बनाया। यहाँ 30-30 फुट की पुलियाँ जो है वो 2-2 साल नहीं बनती। और जो हमारा सेकंड ब्रिज है वो इंशाल्लाह, जो कि 300 फुट लंबा और 110 फुट चौड़ा है, जो ओवरसीज प्राइम और एग्जेक्टिव ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा है, वो अगले 3 माह में इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा एक थर्ड ब्रिज है जो हम अगले 15 दिन में उसकी इनॉग्रेशन कर देंगे, उसकी उस पर काम शुरू हो जाएगा। आई एम श्योर आप जितने लोग बैठे हुए हैं, आपको एक भी शायद कोई हाउसिंग का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा जहाँ कोई यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी यहाँ एक भी रेजिडेंट नहीं आया और हम अपनी 3 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पहले ही ला चुके हैं, जिनमें एक स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी है, एक मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी है, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। हमारा पार्क जो आपको नज़र आ रहा है, इट वॉज़ कम्प्लीटेड इन 90 डेज। सेक्टर ए से शुरू होता है, सेक्टर सी तक जाता है। हमारा जो गोल्फ कोर्स है वो सिग्नेचर गोल्फ कोर्स है, 2400 कनाल पर है। और इतना बड़ा एरिया जब गोल्फ कोर्स के लिए हम अंदर डेडिकेट कर रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि कितना अच्छा गोल्फ कोर्स यहाँ बन जाएगा। और इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर उसके अंदर 8 से 9 होल जो है वो ग्रीन हो चुके होंगे। आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को विज़िट किया होगा, वहाँ रेजिडेंट जाकर आबाद हो जाते हैं और वहाँ फाइबर ऑप्टिक नहीं होती। बाद में PTCL, Nayatel या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर खुद जाकर फाइबर ऑप्टिक ले करता है। अभी यहाँ हमारे मेंबर्स आबाद नहीं हुए और हम 7 किलोमीटर दूर से फाइबर ऑप्टिक ला के बिछा दी है और आज यहाँ ऑपरेशनल है। कुछ बातें मैं क्रिटिक्स के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। आई ऑलवेज थैंकफुल टू आर क्रिटिक्स बिकॉज दे ऑलवेज मोटिवेट अस टू डू बेटर एंड बेटर। आज से 2.5 साल पहले कहा जाता था हमारे पास लैंड नहीं है। आज आप सारे लोग यहाँ से मौजूद हैं, यहाँ से अपनी गाड़ियाँ निकालें, हमारी लैंड पर फिरें। आप 3 घंटे से पहले इस लैंड से बाहर नहीं निकल सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जाता था हमारी चक्री रोड पे जो फ्रंट है वो 150 फुट का है, आज अल्हम्दुलिल्लाह चक्री रोड पे जो हमारा फ्रंट है वो 1.67 किलोमीटर का है, आप सारे लोग विटनेस कर सकते हैं। फिर कहा जाता था ये हो गए, लेकिन मोटरवे के ऊपर लैंड नहीं है। आज मोटरवे से जाएं और देखें, 3.5 किलोमीटर का फ्रंट मोटरवे के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। जब हमने, मुझे याद है, ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया था, तो कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये क्या नाम है जी, ओवरसीज ब्लॉक। हमने लॉन्च किया, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, आप लोगों का एतमाद था, उसके बाद सब ने ओवरसीज ब्लॉक लॉन्च किया। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जब हम लेके आए तो पहले लोगों को समझ नहीं आया। जब हमारे क्रिटिक्स को समझ आना शुरू हुआ तो उन्होंने भी स्मार्ट अपने साथ लगाना शुरू कर दिया कि वो भी इस कॉन्सेप्ट को कैच कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ नाम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है और उसके ऊपर बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है। और जिस तरह से हम ये डिलीवर कर पा रहे हैं और जिस तरह से हम करेंगे, ये इट वुड बी एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन।
फिर बात की जाती थी इंटरचेंज के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटरचेंज की परमिशनल अप्रूवल भी ली और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे भी बड़े बड़े सरप्राइजेज होंगे, विच आई थिंक कि यहाँ की जो प्रॉफिटेबिलिटीज हैं वो स्काई रॉकेटिंग होंगी। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर एस्पेक्ट, हमारे जो, मैं हमेशा अपने सेल्स पार्टनर को भी कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो फाइल है, इट्स नॉट अ फाइल, इट्स अ प्लॉट, जिसके पास भी फाइल है अगर ये इज पेइंग रेगुलरली तो हम उसको प्लॉट लाजमी देंगे। हम, वी डोंट डू एनी ओवर सेलिंग और वी आर कमिटेड टू डिलीवर बिफोर टाइम। सो नाउ कमिंग ऑन टू आवर सम ऑफ आवर सरप्राइजेज एंड अनाउंसमेंट। सो जो पहली हमारी अनाउंसमेंट है, हमारा ये प्रोजेक्ट 55,000 कनाल से एक्सपेंड होता हुआ आज आपने देखा 1,00,000 कनाल पर जा रहा है। की जो बैलेटिंग है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई 2022 में हम करेंगे। तीसरा सरप्राइज इंशाल्लाह ओवरसीज प्राइम की जो बैलेटिंग है वो भी हम फर्स्ट वीक ऑफ मई 2022 में करेंगे। थोड़ी देर पहले हमारा कंप्लीट मास्टर प्लान देखा जिसमें आपने ओवरसीज सेंट्रल जो है उसको दिखाया गया, एक न्यू ब्लॉक ओवरसीज सेंट्रल। अभी भी आप जब मोटरवे से आ रहे थे तो आपको लेफ्ट साइड पे सारा एरिया ब्राउन नज़र हुआ आता है, ओवरसीज सेंट्रल की प्लेस थी। चेयरमैन एंड मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड कि जो हमारा ओवरसीज टू ब्लॉक है उसको हम ओवरसीज सेंट्रल में कन्वर्ट कर देंगे।
इंशाल्लाह ताला ओवरसीज सेंट्रल विच इज एक्स ओवरसीज टू इसकी जो बैलेटिंग है डेट वुड बी हेल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी 2022 इंशाल्लाह। सेंट्रल का पोजेशन लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी अनाउंस करने वाले हैं एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ उसकी हम अनाउंसमेंट करेंगे। बहुत जल्द हम मेरे ख्याल से कपल ऑफ वीक्स में हम हाई राइज के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो डेवलपर्स को ऑफर ज़रूर कर देंगे। हम इसके अलावा पेशावर के अंदर 29, 30 और 31 अक्टूबर को भी एक एक्सपो करने जा रहे हैं, उसके फौरन बाद एक एक्सपो हम लाहौर में करेंगे। आप सबका मैं इतना ही मशहूर हूँ जिन्होंने हमारी पेशेंस से बात सुनी, और एट द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आई वेलकम यू ऑल इनटू न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान द कैपिटल स्मार्ट सिटी। थैंक यू वेरी मच। Command and control. The importance of command and control in capital smart city is similar to the importance of the brain in the human body. The entire command and control system will be based on artificial intelligence. It will have the ability to make all the smart features work properly, and all the data from the smart city features will be analyzed. At the same time, the command and control center will continue to work on any task on its own until it is completed. The command and control center will keep all the relevant institutions of Capital Smart City connected in a smart manner.